हे गाइस, आई होप यू ऑल आर गुड। और स्वागत है आपका एक और न्यू मार्केट एनालिसिस वीकली वीडियो में, जिसमें हम निफ्टी एंड बैंक निफ्टी दोनों को एनालाइज करते हैं। और मैं आपके लिए हर वीक एक वीडियो लेके आता हूँ। और आगे मेरे प्लान है कुछ लर्निंग वीडियोस बनाने के, लेकिन अभी मैं मार्केट एनालिसिस वीडियो से शुरुआत कर रहा हूँ। और मैं देखना चाहता हूँ कितना ही मेरी ऑडियंस अभी है जो मार्केट से रिलेटेड वर्क करती है और मार्केट में इंटरेस्ट रखती है। तो बिना आपका टाइम वेस्ट किए जल्दी से हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, हमने अभी बैंक निफ्टी का वीकली चार्ट लगाया हुआ है। और अभी आप देख सकते हैं यहाँ पर एक इनसाइड कैंडल फॉर्म होती है, हमें दिखी है इस वीक। तो अभी मैं आपको एक चीज बताने वाला हूँ। तो जैसे आप देख सकते हैं, जब मार्केट ऑल टाइम हाई के आसपास आया, आपको एक बड़ी रेड कैंडल देखने को यहाँ पे मिली। तो अगर मार्केट को वहां से रिवर्स होना होता है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर एक बड़ी बड़ी आपको रेड कैंडल्स देखने को मिलती है हायर लेवल पे। और अभी मार्केट आया नीचे और उसके बाद एक पुल बैक लेके वहीं पर सस्टेन कर रहा है। तो इसका मतलब ये हो सकता है कि मार्केट अगर यहाँ पे सस्टेन करता है तो हमें एक न्यू हाई देखने को मिल सकता है आने वाले टाइम में। अगर मार्केट को नीचे आना है तो इस वीक के अंदर अंदर मार्केट को नीचे आ जाना चाहिए इस लेवल को तोड़ के। अगर ये एक वीक यहाँ पे होल्ड करता है और यहाँ से निकलता है, तो आपको एक नया हाई देखने को मिल सकता है यहाँ पर। और हम एक बार डेली चार्ट भी एनालाइज कर लेते हैं, डेली चार्ट में हमें क्या देखने को मिल रहा है। पैटर्न बना के दिखाऊं बैंक के निफ्टी पे डेली चार्ट पे, तो आपको कुछ ऐसा पैटर्न फॉर्म होता हुआ दिखेगा जो ये है। यहाँ से अगर ये इसको नीचे आना है तो इस वीक में नीचे आ जाना चाहिए और इस लेवल्स को तोड़ के यहाँ से इसको नया लो लगाना पड़ेगा अगर इसको सेल अप के लिए आना है तो। अगर नहीं तो ये होल्ड कर जाता है, अगर ये इन्हीं लेवल्स को होल्ड कर जाता है यहाँ पर, तो आने वाले टाइम में हमें न्यू हाई देखने को मिल सकता है। 15 मिनट्स के चार्ट से मैं आपको बताता हूँ आप अपनी ट्रेड को कैसे प्लान कर सकते हैं। अगर हमें 39,500 के ऊपर 15 मिनट की एक कैंडल क्लोज मिले तो हम बाई की साइड सोच सकते हैं, या 5 मिनट में हमें एक हायर हाई लेवल मिले हम वहाँ पे बाई कर सकते हैं। 39,500 से पहले हम कोई भी बाई नहीं इनिशिएट करेंगे अपना मार्केट के अंदर। और अगर फ्लैट बुल के मार्केट इन लेवल्स को ब्रेक करता है तो आपको 39,000 तक के लेवल वापस से देखने को मिल सकते हैं। और अगर ये लेवल्स अगर मार्केट दोबारा टच करने को आया तो यहाँ से आपको एक शार्प फॉल देखने को मिल सकता है, क्योंकि मार्केट यहाँ पे बहुत बार आके बाउंस बैक ले चुका है, हर बार यहाँ से आके बाउंस बैक ले चुका है। अगर इस लेवल्स पे दोबारा आया तो यहाँ से बायर सपोर्ट नहीं करने वाले और सेलर के हाथ में मार्केट आया तो शार्प सेल हमें देखने को मिलेगा। निफ्टी का वीकली चार्ट देखें तो निफ्टी में भी हमें एक इनसाइड कैंडल फॉर्म होती हुई दिखी है। जैसे बैंक निफ्टी में एक 39,500 का लेवल रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा था, निफ्टी में वो 17,400 का लेवल है जहां से निफ्टी रिवर्स हो रहा है। अगर निफ्टी होल्ड करता है तो हम हायर लेवल्स के लिए रेडी हो जाना चाहिए। इस वीक हमें मार्केट को देखना है और ट्रेड थोड़ा सोच समझ के करना है। और अब एक बार निफ्टी को डेली चार्ट में भी देख लेते हैं, डेली चार्ट में हमें क्या व्यू देखने को मिल रहा है। मार्केट ऊपर से 18,000 के लेवल से बड़ी बड़ी कैंडल्स बनाता हुआ नीचे तक आया 16,800 के लेवल तक, उसके बाद एक पुल बैक आया। और आप देखो कि यहां से जब निफ्टी ऊपर जाने की कोशिश किया गैप अप करके, तो 17,400 के लेवल को ब्रेक नहीं कर पाया और उसके आसपास से 17,350 से ही एक शार्प सेल हमें देखने को मिला। बैंक निफ्टी पूरे दिन साइडवेज चला था फ्राइडे को गैप अप खुलने के बाद, पर निफ्टी में हमें आईटी सेक्टर की वजह से एक सेल देखने को मिला। अगर निफ्टी यहाँ से निकलता है तो ये लेवल्स फिर होल्ड नहीं होने वाले, मैं आपको अभी भी बता दे रहा हूँ, क्योंकि 3 से 4 बार यहाँ से मार्केट होल्ड कर चुका है और बायर्स यहाँ पे डोमिनेट कर चुके हैं। अगर ये मार्केट वापस 17,000 के लेवल पाया तो अब की बार ये ब्रेक होने वाला है और 16,800 के लेवल्स भी आपको इस वीक में देखने को मिल सकते हैं। अगर हम बाय इनिशिएट जब करेंगे, जब हमें 17,400 के ऊपर कुछ हायर हाई दिखेगा, अगर उससे पहले हम बाय करने की कोशिश करेंगे तो हम ट्रैप हो सकते हैं ओनली। तो एक बार हम 15 मिनट के चार्ट में भी देख लेते हैं कि कौन से लेवल्स हमें इंट्राडे में काम आ सकते हैं। 15 मिनट का चार्ट देखें तो निफ्टी यहां से एक ट्रेंड लाइन फॉलो करता हुआ आ रहा था, जो गैप अप खुल के सारा ट्रेड इसने खराब कर दिया। और जैसे मैं आपको बता रहा था कि 16,950 के आसपास निफ्टी सपोर्ट बना रहा है, अगर यहाँ पे निफ्टी दोबारा आता है और यहाँ से फिर ब्रेक करता है तो हमें शार्प सेल देखने को मिल सकता है। अगर हम निफ्टी में एग्रेसिव बाइंग के लिए सोच रहे हो तो 17,400 का लेवल एक बार ब्रेक होने दो, उसके बाद हायर हाई मिले या 15 मिनट का कैंडल क्लोज मिले, उसके बाद ही हम एग्रेसिव बाइंग के लिए सोचेंगे निफ्टी में। और अगर बाइंग के लिए मार्केट जाता है तो 17,000
500-600 ये आपके लिए रेजिस्टेंस की तरह काम करेंगे, क्योंकि ऊपर साथ टाइम वहां पर सांप से लाया था तो सेलर डोमिनेट करेंगे सारे लेवल्स पर। वीडियो के लिए बस इतना ही रखते हैं, आई होप यू लर्न समथिंग फ्रॉम दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ, और टेलीग्राम और इंस्टा के लिंक आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, और टेलीग्राम पे भी आप मुझे जो मेरा चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। तो बस इस वीडियो के लिए बस इतना ही रखते हैं, बाय।